मेरा धर्म है, मैं कोशिश करूं कि एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की चेयर पीठ हमारे विश्वविद्यालय में बने, जिसमें विश्व भर से जो नई तकनीक आई है, नई शिक्षा की प्रणाली आई है, नए जो अलग अलग तरीके अनुसंधान आए हैं, रिसर्च हुई है, उनका हम यहाँ पर किस तरीके से उपयोग कर पाए और सहयोग और सरलता से हमारे छात्रों को दे पाए, इसकी भी आवश्यकता है। हम प्रयास करें कि वो भी हो। साथियों, मुझे चूंकि 5 मिनट का समय सिर्फ मिला है मेरे टाइम में, राज्यपाल जी का अपना एक डेकोरम होता है, मैं इतना अनुरोध करना चाहता हूँ कि शिक्षा व्यक्ति के आर्थिक निर्भरता का साधन नहीं है, शिक्षा व्यक्तित्व को निखारने के साथ का भी एक भाव होता है। आज जो हमारे परिवार के लोग दीक्षांत समारोह में दीक्षा लेके जा रहे हैं, इनकी दीक्षा पूर्ण नहीं हुई, इस दीक्षा को व्यवहारिक रूप से समाज में कैसे संस्कार के साथ अपना परिवार का तो आत्मनिर्भरता बने ही, पर समाज की कैसे हम सेवा करें, इस देश की आत्मनिर्भरता पर विश्व में नंबर वन गुरु बनाने में हम कैसे सहयोगी बने। अभी मेरे मन में बैठे बैठे एक विचार आया कि 33% आरक्षण महिलाओं का होना चाहिए, ये बहस है देश में, और 50% की मांग आजकल कई परिवार के लोग करते हैं, उनका हिस्सा है 50%। पर जो गोल्ड मेडलिस्ट की मैंने लाइन देखी तो मैं चरणों में सर रखकर प्रणाम करता हूं मेरी बेटियों को कि नंबर 1 थी आप। ये